हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन्स विद मून। आज का लेसन चालू करने से पहले मैं आप लोग से एक बात करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बेसिकली वो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, मतलब किसी चीज़ की तारीफ नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ गलत बोलना भी सही नहीं है। हर चीज़ के पीछे किसी ना किसी की कोई मेहनत होती है जिससे वो लोग अटैच होते हैं। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स फ्रॉम योर बुक मूमेंट्स दिस टाइम, ठीक है, नॉट फ्रॉम बिहाइव, फ्रॉम मूमेंट्स। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज अ डे ऑफ स्प्रिंग फेस्टिवल एंड ऑल द विलेजर्स वर गोइंग ब्राइटली ड्रेस टू अ फेयर। A little boy and his parents were also among them. The kid was excited and thrilled to see the small toy shops on the way and the flies and bees in the fields. His parents kept calling him over and reminded him to walk beside them. अब इस लेसन के अंदर सबसे पहले क्या मेंशन है कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल की बात की गई थी जहाँ पे विलेजर्स जा रहे थे, एक फेयर था, बेसिकली अपन हिंदी में बोले तो मेला जिसे कहते हैं अपन, वैसे था। वो उस फेयर के अंदर उसके पेरेंट्स के साथ जा रहा था लिटिल बॉय, और वो ब्राइटली ड्रेस मतलब रेड येलो कलर्स के कपड़े पहन के वो लोग ब्राइटली ड्रेस थे सारे विलेजर्स, और वो लोग वो स्प्रिंग फेस्टिवल इन्जॉय करने जा रहे थे। जो बच्चा था, जो किड था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और थ्रिल था अपनी क्या कहते हैं वे के अंदर सारी चीज़ों को देख के जो भी फेयर के अंदर आ रही थी, जैसे टॉय शॉप हो गई, फील्ड्स के अंदर फ्लाइज एंड बीज हो गई, तो वो क्या था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड था उन सब चीज़ों को देख के। हिज पेरेंट्स केप्ट कॉलिंग हिम ओवर एंड रिमाइंडेड हिम टू वॉक बिसाइड देम, और उसके पेरेंट्स को उसको बार बार बुलाना पड़ रहा था कि तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि वो बार बार पीछे छूट जा रहा था। उसको कोई चीज़ अच्छी लग रही थी, वो वहीं रुक के उस चीज़ को देखने लगता था और उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते थे। तो ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है, ही वॉज़ हैप्पी एंड बिवाइल एट द सेम टाइम। सबसे पहले जो चीज़ देखी थी उसने, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि उसने फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी थी, इस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। ही सॉ अ स्वीट मीट सेलर एट द एंट्रेंस। सबसे पहले उसने क्या देखा, स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई बेचने वाला, जिसने क्या लगा रखा था, डिस्प्ले में बर्फी, और उसको वो बर्फी खाने की इच्छा हुई। लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से ये डिमांड नहीं रखी थी, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्या समझेंगे, ग्रीडी समझेंगे, सो दैट्स वाई उसने ये रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स से रखी नहीं। नेक्स्ट उसने क्या देखा था, फ्लावर सेलर, जो फूल बेच रहा था, और वो कौन से फूल बेच रहा था, गुलमोहर गार्लैंड्स बेच रहा था, ठीक है। लेकिन उसने ये भी रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स से नहीं रखी, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसको क्या लगता था कि उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि ये बहुत चीप है उनकी ओपिनियन के अंदर। नेक्स्ट थर्ड चीज़ पे अगर अपन चलते हैं, थर्ड थिंग क्या थी, अ बलून सेलर, जो कलरफुल बलून्स को बेच रहा था, ब्राइट कलर्ड बलून्स को वो बेच रहा था, और वो बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था बलून्स की तरफ, ठीक है। तो उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रखना चाही, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट नहीं रखी, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ बलून्स। नेक्स्ट फोर्थ थिंग क्या थी, अ स्नेक चार्मर विच प्लेइंग अ फ्लूइड ड्रॉइंग ड्रू हिज अटेंशन, और एक स्नेक चार्मर उसने फोर्थ चीज़ देखी, जो उसको चौथी चीज़ थी वो थी स्नेक चार्मर, जो उसने देखा और जिसने उसका अटेंशन ले लिया। लेकिन उसको वापस से वो चीज़ लगी कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस चीज़ के लिए भी मना करेंगे, फॉरबिड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो रफ म्यूज़िक मैं नहीं सुन सकता। फिफ्थ थिंग गाइज यहाँ पे क्या है, थे राउंड अबाउट। अब राउंड अबाउट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसने अपने पेरेंट्स से एक बोल्ड रिक्वेस्ट रखी। बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे राउंड अबाउट में जाना ही जाना है, मतलब मुझे भेजो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। और रिप्लाई क्यों नहीं आता, क्योंकि जब वो बच्चा चारों तरफ देखता है तो उसके पेरेंट्स उस टाइम पे उसके पास थे ही नहीं, और वो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो इधर उधर भागने लग जाता है फेयर के अंदर, रोता हुआ, सॉब करता हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है वो। और जब वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब रोता हुआ फेयर के अंदर घूम रहा था, अ मैन हियर्ड हिज क्राइज एंड रेस्क्यूड हिम फॉर बीइंग ट्रैम्पल। अब एक मैन आता है, एक आदमी, जैसे फेयर के अंदर कोई रैंडम पर्सन जिसे कह सकते हो आप लोग, आता है और उसकी मदद करता है उस बच्चे की। लिफ्टिंग द लिटिल बॉय इन हिज आर्म्स, वो उस बच्चे को अपने आर्म्स के अंदर उठा लेता है। द काइंड मैन आस्क हिम हाउ हैड ही गेट देयर एंड हूज बेबी ही वॉज, और वो उससे कुछ सवाल करता है, भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के हो, किसके बच्चे हो, पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे, क्यों रो रहे हो। लेकिन वो किसी चीज़ का भी आंसर उसको नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत छोटा था और वो कंटिन्यूसली सिर्फ रो रहा था।
ठीक है, और सिर्फ उसने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करी, उस मैन से, उस रैंडम पर्सन से क्या रिक्वेस्ट करी, दैट आई वॉन्ट माई पेरेंट्स बैक। और उसके बाद में टू ड्रू हिज अटेंशन, मतलब अब उस बच्चे की अटेंशन कहीं और लाने के लिए उस मैन ने क्या किया, उस मैन ने उसको हर चीज़, वो चीज़ जो उसको कुछ टाइम पहले चाहिए थी, वो चीज़ ऑफर करी। अब जैसे अपन स्टार्ट से एंड, अपन ने वहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया था, अपन ने स्वीट मीट सेलर से, और एंड कहाँ पे किया अपन ने, राउंड अबाउट पे। अब यहाँ पे अपन उल्टे चलेंगे, अपन एंड टू स्टार्ट चलेंगे। अपन का एंड क्या था, राउंड अबाउट ऑफ वापस स्वीट सेलर। अब यहाँ पे अपन उल्टा चलेंगे। सबसे पहले उसने राउंड अबाउट पे पूछा कि क्या तुम्हें इस पे जाना है, क्या तुम्हें इसकी राइड करनी है, तो उसने मना कर दिया। ठीक है, फिर वो जाता है स्नेक चार्मर के पास, बलून वाले के पास, फ्लावर वाले के पास, स्वीट वाले के पास, लेकिन उस बच्चे ने हर चीज़ के लिए मना करा और उसने एक ही चीज़ बोली कि उसने क्या चीज़ बोली, दैट आई वॉन्ट माई पेरेंट्स एंड नथिंग एल्स, मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गाइज ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि आपके चैप्टर के बीच के हैं और ये थोड़े आपके लिए हार्ड हो सकते हैं एंड कंटिन्यूस इनको फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने ये फाइंड करके आपके लिए यहाँ पर रख दिया। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके यहीं पर ये चीज़ें कहीं पर लिख सकते हैं, या अपनी बुक में जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तब आप मार्क कर सकते हैं। एक ये स्लाइड है और एक और ये स्लाइड है। सो दिस एंड्स विद दिस वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगी। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एक लाइक दे दो, एक सब्सक्राइब दे दो और एक कमेंट दे दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।